परंतु अब समय आ गया है। धरती पर अरुण ऋषि और माता जयंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ को संपूर्ण कर लिया है, बस आपकी कृपा की आवश्यकता है प्रभु। मेरा सुदर्शन चक्र नर रूप में अरुण ऋषि के घर जयंती की कोख से जन्म लेगा, कलयुग में धर्म की स्थापना करेगा, धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, वो धरती पर वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करेगा, वो निम्बार्काचार्य नाम से जाना जाएगा। प्रणाम प्रभु। आदेश कीजिए प्रभु। सुदर्शन महाबाहो, कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान तिमिरंधानां विष्णोर मार्गम प्रदर्शय। हे विशाल भुजा वाले, कोटि सूर्य के समान कांति वाले सुदर्शन चक्र राज, अब आप भूतल पर अवतार धारण कर ज्ञान रूपी अंधकार से ग्रसित कलयुगी मनुष्यों को अनादि वेद प्रतिपादित सनातन वैष्णव धर्म पथ का ज्ञान कराई। जो आज्ञा प्रभु। आपको धरती पर गोदावरी तट पर स्थित अरुण आश्रम जाना, वहां आपको अरुण ऋषि और जयंती के पुत्र बनकर जन्म लेना, किंतु इस बार आपको शस्त्र के रूप में नहीं वरन शास्त्र से दुष्टों को पराजित करना होगा। मानव जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। एक निश्चित समय आने पर नारद को आपको गुरु बनाना होगा और उनसे दीक्षा प्राप्त करनी होगी। ये सभी कार्य मेरे द्वारा ही प्रतिपादित होंगे। मृत्यु लोक में आपको एक विशेष कार्य करना है। आप वैष्णव संप्रदाय तथा उसके नियमों का प्रचार प्रसार करेंगे। आपके द्वारा स्थापित वैष्णव पंथ आपके नाम अर्थात निम्बार्क संप्रदाय के नाम से विख्यात होगा। मेरी कृपा से एक निश्चित समय आने पर देवर्षि नारद आपको गुरु के रूप में मिलेंगे और वैष्णव धर्म की दीक्षा देंगे। तत्पश्चात आप धरती के लोगों को वैष्णव धर्म के वैदिक सत्य सनातन पथ की शिक्षा देंगे। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से आप निम्बार्काचार्य के नाम से जाने जाएंगे। आपकी ख्याति बढ़ेगी और ये सनकादिक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रचलित होगा। जो भी मनुष्य उस संप्रदाय की परंपरा का निष्ठापूर्वक अनुसरण करेगा, उसे मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। जैसी सर्वेश्वर की इच्छा, आपको एक बार पुनः मेरा प्रणाम। कल्याण, आपको आपके कार्य में सफलता मिले। Namaste.
नित्यानंद।